गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की क्लास हमारी जो है वो एमएससी फर्स्ट सेम वालों के लिए है, ठीक है। और जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं एमएससी फर्स्ट सेम का बॉटनी का सिलेबस, ठीक है। कि आपको एमएससी में आखिर क्या क्या पढ़ना है, किस तरह से आपका एमएससी में सारी चीज़ें रहने वाली है, ठीक है। क्योंकि हमने अभी तक उसके सिलेबस के बारे में कोई डिस्कशन नहीं किया है कि क्या आपको पढ़ना है, कैसे आप उसको प्रिपेयर करेंगे और क्या क्या आपको करना पड़ रहा है एमएससी में। क्योंकि ये चीज़ें एकदम से बीएससी से क्या है आपका डिफरेंस है। अभी तक आप बीएससी में तीन सब्जेक्ट पढ़ते थे, मेन जूलॉजी बॉटनी एंड केमिस्ट्री। लेकिन आप चूँकि आप एमएससी कर रहे हैं और आप मास्टर ऑफ साइंस कर रहे हैं, तो आपका मास्टर ऑफ साइंस या कहें हम कि एमएससी जो है वो सिर्फ एक सब्जेक्ट से होता है, जिसमें आपको एक ही सब्जेक्ट बहुत सारी पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ना होता है, ठीक है। तो आपके एक ही सब्जेक्ट के हमें कितने पेपर पढ़ने हैं, 4 पेपर आपको पढ़ने हैं। चारों पेपर आपके थ्योरी पेपर होंगे, देन इसमें आपका असाइनमेंट भी रहेगा। जैसे कि आपका ये जो चारों पेपर हैं वो 100-100 मार्क्स के रहने वाले हैं आपके, और जिसमें थ्योरी के मार्क्स रहेंगे आपके 75। ये आपका 75 प्लस 25 का पेपर होने वाला है। 75 आपका थ्योरी रहेगा जो आप रिटर्न एग्जाम देते हैं, और 25 का आपका रहेगा असाइनमेंट, ठीक है। आपको चारों पेपर में असाइनमेंट बनाने हैं और 25 का वो असाइनमेंट आपका रहने वाला है। ऐसे ही सेम है चारों पेपर में आपका रहेगा, ठीक है। 75 प्लस 25 दूसरा आपका रहेगा प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल ये भी आपका 100 नंबर का होने वाला है। तो इस तरह से आपका ये ऑल ओवर हो जाता है 500 मार्क्स का फर्स्ट सेमेस्टर, ठीक। तो ये ऐसे आपको पढ़ना है। दूसरा, इसमें आपको 4 पेपर पढ़ने हैं। चारों पेपर आपके किससे रिलेटेड रहेंगे, बॉटनी से, क्योंकि आप बॉटनी से एमएससी कर रहे हैं। तो फर्स्ट पेपर है आपका सेल बायोलॉजी ऑफ प्लांट्स, मतलब आपको कोशिका के बारे में अध्ययन करना है, इसकी प्लांट्स की। अभी तक आप पढ़ते थे यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिका, अब प्लांट्स में कौन सी कोशिका पाई जाती है उसके बारे में भी आपको डिटेल से अध्ययन करना है, ठीक है। कि किन प्लांट्स में कैसी कोशिका पाई जाती है, स्ट्रक्चर कैसा रहता है, गोलाकार रहता है, सर्कुलाकार रहता है, चपटा रहता है, दस्तरीनुमा रहता है, स्ट्रक्चर कैसा रहता है, कार्य क्या होते हैं, पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि आपकी जो कोशिका है इसके अंदर एक न्यूक्लियस पाया जा रहा है, न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जा रही है, इसके अंदर बहुत सारे चीज़ें जो है वो पाई जाती है। जैसे आपका ये सेल वॉल हो गया, ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ईआर हो गया, क्रोमोसोम हो गया, राइबोसोम हो गया, और आपका गॉल्जी बॉडी हो गया। तो इन सब के बारे में हमें डिटेल से अध्ययन करना है, ठीक है। इन सब के कार्यों को समझना है कि ये कोशिका में क्यों पाए जाते हैं, ठीक है। और पाए जाते हैं तो ये फिर क्या कार्य करते हैं कोशिका में, क्यों पाए जाते हैं। अभी तक तो हमने सिर्फ ये पढ़ा सेल होती है जीवन की कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई को हम सेल कहते हैं, द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल, ठीक है। अब हमें ये पता है कि भाई सेल के अंदर ये साइटोप्लाज्म में ये सारी चीज़ें जो है वो पाई जाती हैं। अब हमें पढ़ना है कि साइटोप्लाज्म में ये चीज़ें क्यों पाई जाती हैं, क्या काम है इनका, ठीक है। अगर माइटोकॉन्ड्रिया पाया जा रहा है, ईआर पाया जा रहा है, बैक्टीरिया पाया जा रहा है, गोल्जी बॉडी पाया जा रहा है, तो क्यों पाया जा रहा है, उसका वर्क क्या है, ये चीज़ें हमें समझना है, ठीक है। तो इसलिए आपको फर्स्ट जो है, देखिए जीवन की कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई सेल होती है, तो जो प्लांट्स में सेल एक अहम भूमिका निभाती है, ठीक है। तो हमें सबसे पहले इसके बारे में पढ़ना है, सेल के बारे में ही पढ़ना है, और इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी, सेल ऑर्गेनेल्स आ जाएंगे, साइटोप्लाज्म आ जाएगा, साइटोप्लाज्म में जो चीज़ें पाई जा रही हैं वो आ जाएगा, ठीक। दूसरा है आपका मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ऑफ प्लांट्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के बारे में पढ़ना।
फन जाती है। ठीक है, तो हमें इनकी बायोलॉजी पढ़नी है एंड डायवर्सिटी ऑफ वायरस बैक्टीरिया और फंजाई मतलब सूक्ष्म जीवों के बारे में भी हमें क्या करना है, स्टडी करना है। अभी तक आप लोगों ने पढ़ा है बैक्टीरिया, पढ़ा है वायरस, पढ़ा है फंजाई, पढ़ा है, लेकिन हमने सिर्फ क्या पढ़ा है उनका इंट्रोडक्शन और उनका यूजेस, उनके बेनिफिट। लेकिन अब हमें क्या पढ़ना है बैक्टीरिया वायरस को डिटेल से पढ़ना है, क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या इनके उपयोग है, रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, लाइफ साइकिल कैसे रहती है इनकी, कितने दिनों में ये अपनी लाइफ साइकिल को पूरा कर लेते हैं। ठीक है, जैसे वायरस को तो हम किस में मानते हैं, मृत और जीवित कोशिका के बीच की कड़ी मानते हैं। क्यों मानते हैं? ठीक है, क्योंकि उसमें मृत सेल के भी लक्षण पाए जाते हैं और जीवित सेल के भी लक्षण पाए जाते हैं, तो इन सब के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा है आपका बायोलॉजी एंड डायवर्सिटी ऑफ एल्गी, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स। तो ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट और शैवालों के बारे में भी हमें क्या करना है, पढ़ना है। अब इसके अंदर शैवाल क्या होते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, रिप्रोडक्शन कैसे होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, कई प्रकार के शैवाल होते हैं, वो अपनी लाइफ साइकिल कैसे स्पेंड करते हैं, तो ये सारी चीज़ों के बारे में भी हमें पढ़ना है। देखिए बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, अगर आप एक पेपर उठाएं और सिर्फ उसको पूरा से अच्छे से पढ़ें, ठीक है, तो मिनिमम आपको वन मंथ लगेगा पूरा कंप्लीट एक पेपर करने में। इस तरह से आपके चार पेपर है तो आपको लगभग 4 मंथ में आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक, तो आपको रेगुलरली स्टडी करना है, रेगुलरली उसको टाइम देना है। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने सिलेबस डिस्कस किया, नेक्स्ट क्लास में हम फर्स्ट टॉपिक जो है ले लेंगे सेल बायोलॉजी का। ठीक, तो आज की क्लास में इतना ही।